हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज जो बार बार न्यूज़पेपर में नजर आई थी। चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालयन आइबेक्स, जिसका साइंटिफिक नेम कैपरा आइबेक्स सिबेरिका है, जो कि एरिड और रॉकी माउंटेन काराकोरम हिंदू कुश और हिमालय गिलगित बाल्टिस्तान में मिलती है। ये इसको थ्रेट है सबसे ज्यादा इलीगल हंटिंग, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, हैबिटेट लॉस एंड कंपटीशन फॉर फोरेज विद डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है इनके रहने की जो नेचुरल सराउंडिंग है वो ह्यूमन इंटरवेंशन या क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म होना या खराब होना। IUCN या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न और शेड्यूल वन में ये आता है। नेक्स्ट स्पीशीज है साइबेरिया आइबेक्स, कैपरा सिबेरिका। ये एक वाइल्ड गोट है जो कि डाइवर्स हैबिटेट में मिलती है। डाइवर्स हैबिटेट जैसे कोल्ड डेजर्ट, रॉकी माउंटेन्स, स्टीप टेरेंस, हाईलैंड फ्लैट्स एंड माउंटेन रिजेस। ये लो माउंटेन्स और फुट हिल्स पर भी मिलती है। मंगोलिया से लेकर अल्ताई, हंगाई, गोभी अल्ताई, हुरुक माउंटेन रेंजेस, सियान माउंटेन रेंजेस जो रशिया में है, वहां पर ये सारी पाई जाती है। IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। फ्रेंड्स, अभी ये देखते हैं कि ये दोनों स्पीशीज न्यूज में क्यों थी। इन अ रिसेंट स्टडी, साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने ये प्रूव किया है कि हिमालयन आइबेक्स ये डिस्टिंक्ट स्पीशी है साइबेरियन आइबेक्स से। पहले हिमालयन आइबेक्स को सब स्पीशीज काउंट किया जाता था साइबेरियन आइबेक्स की ही। ये स्टडी पेपर का टाइटल है जेनेटिक एविडेंस फॉर एलोपेट्रिक स्पीशिएशन ऑफ द साइबेरियन आइबेक्स। ये पब्लिश हुआ है पेपर एंडेंजर्ड स्पीशीज रिसर्च, ये इंटरनेशनल जर्नल है उसमें। आइबेक्स स्पीशीज की कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए रिसर्चर ने फील्ड सर्वे किया लाहौल स्पीति से। ये प्रोजेक्ट फंड किया गया है नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, जिसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जेनेटिक एनालिसिस के लिए ट्रेसेस सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, अल्ताई माउंटेन्स, मंगोलिया एंड रशिया, यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। एनालिसिस के लिए एविडेंस फील्ड सर्वे और कलेक्टेड फेकल सैंपल से मिले हैं। रिजल्ट में ये सामने आया है कि साइबेरियन आइबेक्स प्लिस्टोसिन एरिया एपोक से ही सेपरेट हो गए थे अल्पाइन आइबेक्स से। प्लिस्टोसिन एपोक को आइस एज भी बोलते हैं। ये वो एपोक है जहाँ होमो सैपियंस फर्स्ट टाइम, जहाँ से ट्रेसेस मिलते हैं। इस एपोक के एंड तक सारी जगह पर ह्यूमंस प्लैनेट पर पाए गए थे। साथ ही साथ मैनी वर्टिब्रेट और लार्ज मैमल्स भी फाइंड हुए थे। हिमालयन आइबेक्स इंडिया में ट्रांस हिमालयन रेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अनदर की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी इज साइबेरियन आइबेक्स इज अ पॉलीटाइपिक स्पीशीज फॉर्म्ड बाय लंपिंग एटलीस्ट टू स्पीशीज और थ्री और फोर सब स्पीशीज। पॉलीटाइपिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है ये देखिए। एक स्पीशीज जिसमें दो और उससे ज्यादा सब स्पीशीज के ट्रेसेस मिलते हैं उसे पॉलीटाइपिक स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर का लेते हैं। टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है, जिसके अंदर, जिसका मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर सबस्यूम है बहुत सारी सब स्पीशीज। पैंथेरा टिग्रिस के अंदर इंडियन टाइगर पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस सेकेंड, चाइनीज टाइगर पीटी एनोनिसिस, थर्ड साइबेरियन टाइगर पीटी अल्टाइका, ये सारी स्पीशीज पैंथेरा टिग्रिस के अंदर आती है। इसे पॉलीटाइपिक सब स्पीशीज कहते हैं, पॉलीटाइपिक स्पीशीज। वैसे ही
साइबेरियन आईबैग्स भी पॉलीटिपिक स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज को मिलाकर साइबेरियन आईबैग बनी हुई है। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर का नाम है एलोपेट्रिक स्पेशलाइजेशन ऑफ साइबेरियन आईबैग्स। एलोपेट्रिक स्पीशीज का भी मतलब समझ लेते हैं, टू और मोर रिलेटेड स्पीशीज दैट हैव जस्ट जियोग्राफिकल रेंजेस आर कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पीशीज। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन लायन पैंथेरा लियो पर्सिका। ऐसे स्पीशीज नॉर्मली नेम प्लेस ऑफ ओरिजिन या प्लेस जहां से वो नेटिव है उसके नाम से जाने जाते हैं, जैसे इंडियन लायन, अफ्रीकन लायन। लायन इज कॉमन बट एरिया वाइज डिफरेंट है, अफ्रीकन इंडियन ऐसे, तो इसे एलोपेट्रिक स्पीशीज कहा जाएगा। तो आफ्टर दिस स्टडी हिमालयन आईबैक्स को जेनेटिकली डिफरेंट फॉर्म माना जाएगा साइबेरियन आईबैक्स से। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज क्या है। ये वो स्कीम है जिसके अंडर में ये स्टडी को फंड किया गया था। द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडी इज अ सेंट्रल सेक्टर ग्रांट इन एड स्कीम। इसका मेन फोकस है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडियन हिमालयन रीजन। इसका जुरिसडिक्शन 9 हिमालयन स्टेट्स फुल्ली, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड है। दो पार्शली स्टेट्स हैं, आसाम के हिली डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्ट बंगाल के हिली डिस्ट्रिक्ट्स भी इस स्कीम के अंदर आते हैं। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ये भी इस स्कीम के अंदर आती है और वहाँ पे कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये स्कीम से किया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और नोडल सर्विंग हब है जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस स्कीम के अंदर में 7 ब्रॉड एरियाज को कंजर्व करने की बात की गई है। पहली है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सेकेंड लाइवलीहुड ऑप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, थर्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल कनेक्टिविटी एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। फ्रेंड्स, ये नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज का लोकेशन मैप है। दिस इज जम्मू कश्मीर, दिस इज हिमाचल, दिस इज उत्तराखंड, दिस इज सिक्किम, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, दिस इज नागालैंड, दिस इज मणिपुर, दिस इज मिजोरम, दिस इज त्रिपुरा, दिस इज मेघालय एंड असम के कुछ एरियाज एंड वेस्ट बंगाल। ये इस स्कीम के अंदर में आते हैं। इस स्टेट्स के कंजर्वेशन को ये मिशन देखा जाता है। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज रिसर्च। ये जर्नल है जिसमें ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट वॉज फाउंडेड इन 2004 बाय लीडिंग इकोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओटो केन एज अ मेजर स्टेज ऑफ पब्लिकेशन ऑन द इकोलॉजी ऑफ एंडेंजर्ड लाइफ। इट इज बेसिकली अ जर्नल। सो फ्रेंड्स, हिमालयन आईबैक्स, साइबेरियन आईबैक्स, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज रिसर्च, ये 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं प्रिलिम्स के लिए। आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।